सभी आंगनबाड़ी सेविका के लिए जरूरी जानकारी यानी कि पोषण ट्रैकर में आप लोग THR करेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आप लोग को 12.4 तो आप सभी आंगनबाड़ी सेविका जरूर अपडेट कर लिए होंगे, लेकिन आप लोग को जो है THR करने में आप लोग को अब प्रॉब्लम आ रही है और आप सभी आंगनबाड़ी सेविका को प्रॉब्लम आएगी। ये गलत डिसीजन है पोषण ट्रैकर वाले को। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में, यानी कि आप लोग पोषण ट्रैकर में THR करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आएगी, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आंगनबाड़ी सेविका सब्सक्राइब किए होंगे वो एक बार हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो आइए जानते हैं आप लोग को जो THR करने में क्यों प्रॉब्लम होगी। तो सभी सेविका ध्यान से देखते रहिए आप लोग को जो है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है THR करने में। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे पोषण ट्रैकर पे हम लोग क्लिक करते हैं और एक लाभार्थी को हम लोग THR करेंगे तो आप लोग देखिएगा ध्यान से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि आप लोग जैसे ही पोषण ट्रैकर खोलेंगे और इस तरह से बेनिफिशियरी में जाएंगे या किसी भी लाभार्थी को THR करना चाहेंगे, यानी कि आप लोग हो गए प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर और 6 माह से 3 साल के बच्चे, इस तरह से इन लोग का अगर आप लोग THR करना चाहेंगे तो इस तरह से जैसे ही क्लिक करेंगे तो लाभार्थी इस तरह से आप लोग को तो खुल जाएगी, लेकिन आप लोग जैसे ही THR करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा कि क्या लिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन में जो है एक लाभार्थी का THR करके आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए कि इस तरह से जो है मेरा यानी कि लाभार्थी आ गई है और खुल गई है इस तरह से। अब जैसे ही खुल गया तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट दिख रहा होगा। THR जाने के लिए आप लोग को क्या कहाँ करते थे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते थे। जैसे ही आप लोग 3 डॉट पे क्लिक करिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पे शो कर रही होगी एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स आप लोग को शो कर रही। तो इस तरह से आप लोग को पेज खुल के आ गई और आने के बाद आप लोग देख रहे होंगे सबसे नीचे में यहाँ पे पोषण हस्तक्षेप है। आप लोग को यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो आप लोग को इस तरह से THR करने के लिए आप लोग को क्या करते थे, यहाँ पे टिक आउट करते थे। जैसे ही इस पर टिक आउट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि एरर भूल करके आ रही है और इसको आप लोग सही से पढ़िए, आप लोग को समझ में ज़रूर आएगी। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्लीज़ गेट योर आधार वेरिफिकेशन फर्स्ट, यानी कि आप लोग को जो है गई यानी कि एरर भूल का, जैसे कि हम यहाँ पे आप लोग को बार बार शो करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्लीज़ गेट योर आधार वेरिफिकेशन फर्स्ट, यानी कि आप लोग को जो है फर्स्ट नंबर में जो है ये लाभार्थी का है, यानी कि आप लोग को आधार वेरिफिकेशन करना होगा। आप जैसे ही आधार वेरिफिकेशन कर देंगे उसी को आप लोग को जो है THR आप लोग बांट सकते हैं और कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग पोषण ट्रैकर में नया अपडेट के साथ आप लोग को जो है इस तरह से आप लोग का काम बढ़ गया है। जैसे कि मान लीजिए अभी तो गर्भवती महिला है, इसका तो हमारे पास आधार कार्ड रहेगा तो हम कर लेंगे, लैक्टेटिंग मदर है उनको भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है गर्भवती महिला को तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम इनको वेरिफिकेशन कर लेंगे और यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माता है इनका भी आधार वेरिफिकेशन कर लेंगे, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे 6 माह से 3 साल के बच्चे यानी कि इन लोग का बहुत ही कम है, यानी कि जितना भी सोचा जाए उससे कम है, यानी कि ये जो है यानी कि 6 माह से 3 साल के बच्चे किन्हीं किन्हीं का तो साफ ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि 6 माह से 3 साल वाले बच्चे का THR करने में आप लोग को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप लोग को है यानी कि फर्स्ट नंबर में आप लोग को सभी का आधार जैसे ही वेरीफाई कर लीजिएगा तभी आप लोग को जो है THR का प्रॉब्लम दूर होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे यानी कि THR का जो प्रॉब्लम है वो आप लोग को आधार वेरिफिकेशन जैसे ही कर लेंगे तो आप लोग आसानी से THR कर पाएंगे। जैसे कि मानिए कि एक लाभार्थी को हम वेरिफिकेशन किए हुए हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है आधार वेरिफिकेशन हम जैसे किए हुए हैं तो एक लाभार्थी को हमने तो अभी वेरीफाई करके दिखा रहे थे तो आप लोग को बता रहा था यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने आधार वेरिफिकेशन ये 2 लाभार्थी को किए हुए हैं और इसका देखिए हम यहाँ पे THR करके दिखाते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स पर जैसे क्लिक किए उसके बाद यहाँ पे पोषण हस्तक्षेप है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे टेक होम राशन है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक आउट ले लिया और यहाँ पे 25 दिन का यहाँ पे आप लोग डेट डाल सकते हैं, यानी कि 25 दिन का THR और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट हम लोग मार सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग जैसे ही आधार वेरिफिकेशन कर लेंगे तभी आप लोग का जो है ए ऑप्शन यानी कि आप लोग टिक आउट कर पाएंगे, यानी कि टेक होम राशन का। अगर आप लोग आधार वेरिफिकेशन नहीं किए रहेंगे तो आप लोग को जो है सेम प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि यहाँ पे अब अगर हम मान लीजिए कि इस लाभार्थी को हम लोग THR बांटेंगे तो 3 डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स आप लोग को शो कर रही है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे है
पोषण हस्तक्षेप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे टिकट मारेंगे तो आप लोग को तो फर्स्ट नंबर में आप लोग को आधार वेरिफिकेशन खोज रही है। आप जैसे ही आधार वेरिफिकेशन करेंगे तभी आप लोग को जो है टेक होम राशन का आप लोग को ऑप्शन क्लिक होगा, जैसे कि हमने अभी अभी बताया आप लोग को एक लाभार्थी को इस तरह से क्लिक करके और यहाँ पे हम लोग एड ग्रोथ करके और यहाँ पे आप लोग को पोषण हस्तक्षेप में जाके और यहाँ पे हम लोग ने टी एच आर पे टिकट मारा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे टिकट ले लिया और यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे नहीं लिखाया, इस तरह से एरर भूल करके आप लोग को नहीं लिखाया। तो आप लोग को जो है प्रॉब्लम, आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है आप लोग के सभी आंगनबाड़ी सेविका के लिए, यानी कि आप लोग को जब तक ना आधार वेरिफिकेशन करेंगे तब तक आप लोग टी एच आर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग को वीडियो था, वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।